वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द आईआर चैनल और मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह एंड आई एम बैक विद ऑल द लेटेस्ट स्टडी अपडेट स्पेशली फॉर यू गाइस सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो आज के इस वीडियो में मैं जो अपडेट लेके आई हूँ वो है बिग बॉस के बारे में। जी हाँ, बिग बॉस के हाउस में भी बहुत सारा एक्साइटिंग ड्रामा चल रहा है, सो उसी के बारे में ये अपडेट है। तो जैसा कि हमने देखा कि निकी, राखी सावंत और अली गोनी अब जा रहे हैं घर से बाहर। तो निकी जाते जाते भी उनके हमेशा से अभिनव और रुबीना के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने इस रिलेशन को मेंटेन किया है घर से बाहर जाते वक्त भी। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिला है अली गोनी जो कि काफी अच्छे फ्रेंड थे जैस्मिन के, जब वो घर में आए थे तब भी वो पहले से ही ये सोच के आए थे कि वो रुबीना के साथ कोई पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रुबीना की काफ़ी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पे भी उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। सो इसके चलते उन्होंने रुबीना से कोई पंगा नहीं लिया और अब जाते जाते वो जैस्मिन और रुबीना के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राखी सावंत का अभी किसी के साथ कोई पंगा नहीं हुआ, उन्होंने किसी के साथ कोई पंगा नहीं लिया है, वो बस समझने में है कि कौन सा कंटेस्टेंट कैसा है। और दूसरी ओर हम बात रही राहुल वैद्य की, तो राहुल वैद्य घर में वापस आने वाले हैं, हमने ये आपको पहले भी बताया है। तो अब देखना है कि रुबीना और राहुल वैद्य के रिलेशन जो कि पहले काफी अच्छे थे, क्या अब वो ऐसे ही रहेंगे या हर साल जैसे कंटेस्टेंट बाहर जाते वैसे अंदर नहीं आते। इस साल भी कुछ नया ट्विस्ट के साथ आएंगे राहुल वैद्य, वीकेंड के बारे में होगी उनकी एंट्री, उसके बाद ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या रुबीना और राहुल वैद्य की वो फ्रेंडशिप जो पहले थी वो शो के एंड तक कंटिन्यू करेगी या ट्रॉफी के चलते दोनों के बीच में हो जाएगा महाघमासान। तो ये सब देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, हम आपको सारी अपडेट्स बताएंगे। और आपको क्या लगता है इस साल कौन जीतेगा आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।